अस्सलाम वालेकुम हजरत, खैरियत से? देरी ना मसला था वो हल हो गया जी? जी अभी तो नादन साहब का हम शुक्रिया अदा कर लेते तो वो आके इस इलाके का विजिट भी किया और ये इज्तिमा गाँव वाले जो लोग जा रहे हैं यहाँ पे शब जुमा भी चल रहा है, अभी इज्तिमा भी आने वाला है। यह हमारा पुराना मसला था, नादन साहब का हम शुक्रिया अदा कर। हम अपने दबंग टाउन चेयरमैन अजय नवाज भरोई साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की तंजीम का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि मंगो पीर सुल्तानाबाद जो नया नजमाबाद से TCF चोरंगी का जो सबसे बड़ा देरीना मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाए तकबील तक जा रही है, पहुँच रही है। इस टाइम जो है अपना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने अर्दिल अजीज चेयरमैन बिलावल भुट्टो रजाई साहब का और हमारे CM सिंध मुराद अली शाह साहब, मिनिस्टर बल्दियात सईद गनी साहब और ख़ास तौर पर जो है मिनिस्टर एनर्जी जो पहले मिनिस्टर बल्दियात थे नासर हुसैन शाह साहब, उनकी मार्फत जो है ये हमने सारा रमज़ान बिरोई मंगोपीर रोड इसकी तामीर हमने शुरू की थी, जो कि काफ़ी टाइम से डिले था, अलतवा का शिकार था, सुस्त रवि का शिकार था। हमने एप्लीकेशन दी CM साहब को और DG KDA साहब को, जो कि आज अलहमदिल्ला इस पर दोबारा काम शुरू हुआ है और मैं ये तवक्को करूँगा, इस वक्त हमारे साथ कॉन्ट्रेक्टर भी मौजूद है महबूब साहब, और मैं ये तवक्को करूँगा महबूब साहब से और इंशाल्लाह KDA से कि ये जो है इज्तिमा से पहले मुझे ये फाइनल करके दिया जाएगा ये रोड, ताकि ये औरंगी लिंक रोड जो कहलाता है रमज़ान शाह रमज़ान बिरोई, ये औरंगी और मंगोपीर सरजानी न्यू कराची को मिलाने वाला एक वाइद रोड जो है था, जो काफ़ी अरसे से अलतवा का शिकार था। अल्लाह की मेहरबानी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी से और लोगों के लिए ये एक बड़ा सहूलत यहाँ से है, जो कि आने जाने वाले मुसाफरों के लिए इसको जो एक टुकड़ा TCF से लेकर मंगोपीर रोड तक जो बाकी है उसके लिए हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं ये भी मुकम्मल हो जाए, ताकि जो है लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो और ये धूल मिट्टी से जो है इलाके वाले भी बच सके और आने जाने वाले मुसाफिर बच सके। बहुत शुक्रिया।